हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को एसी वेटिंग टिकट के बारे में बात करने वाला हूं कि अगर आपके पास कोई भी क्लास का एसी का वेटिंग टिकट रहता है, चार्ट प्रिपरेशन के बाद भी अगर आपका टिकट वेटिंग में ही रह जाता है, तो क्या आप उस टिकट से ट्रेन में ट्रेवल्स कर सकते हैं कि नहीं। रेलवे के गाइडलाइन के हिसाब से आप सभी को मैं बता दूँ कि जैसे कि आप सभी को पता होगा कि एसी का जो वेटिंग टिकट होता है वो दो प्रकार का होता है, जैसे कि एक ऑनलाइन होता है और एक ऑफलाइन, जैसे कि काउंटर टिकट होता है। ठीक है, तो ऑनलाइन, सबसे पहले मैं ऑनलाइन वेटिंग टिकट के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसे कि आप अगर कोई भी ट्रेन में थर्ड एसी, सेकेंड एसी, फर्स्ट एसी, कोई भी एसी में अगर आप टिकट ऑनलाइन बुकिंग किए हैं और चार्ट प्रिपरेशन के बाद, चार्ट लग जाने के बाद आपका टिकट फिर भी वेटिंग में रह जाता है, फिर भी आप चाहते हैं कि ट्रेन में हम सफ़र करेंगे, तो आपको मैं बता दूँ कि जैसे कि अगर उसके बाद भी अगर आप ट्रेन में सफ़र करना चाहते हैं, तो आप जो टिकट लेके जाइएगा वो टिकट मतलब वैलिड नहीं होगा, क्योंकि वो टिकट रेलवे के हिसाब से, रेलवे के गाइडलाइन के हिसाब से वो टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल हो चुका है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। मतलब आप अगर ट्रेन में जाते हैं तो आप बे टिकट माने जा सकते हैं, मतलब आपके पास कोई टिकट नहीं है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपका एसी का टिकट चार्ट लगने के बाद अगर वेटिंग ही रह जाता है, तो आप ट्रेन में सफ़र ना करें। ठीक है, दूसरा होता है काउंटर टिकट। काउंटर वेटिंग टिकट अगर आपके पास में है तो आप उस काउंटर वेटिंग टिकट से ट्रेवल्स कर सकते हैं। और हाँ, उसमें भी ट्रेवल्स करने के रेलवे के गाइडलाइन के नियम है, जैसे कि आप सभी को बता दूं कि अगर आपका थर्ड एसी में टिकट वेटिंग ही रह गया, अगर काउंटर टिकट है, तो उसमें होता क्या है कि अगर आप थर्ड एसी में या सेकंड एसी में या फर्स्ट एसी में, जिसमें भी अगर आप जा रहे हैं, अगर उस कोच में सीट खाली है तो आप उस सीट पर बैठ के यात्रा कर सकते हैं। अगर बाय चांस अगर उस सीट पे कोई पैसेंजर आ गया नेक्स्ट स्टेशन पर, तो वो अपना सीट पर ही बैठेगा, आपका तो वो सीट है नहीं। और दूसरा होता क्या है कि मान के चलिए किसी सीट पर अगर कोई पैसेंजर नहीं आ रहा है, वो पैसेंजर अब्सेंट हो चुका है, किसी कारण वो ट्रेन में नहीं उठ पाया है, तो उस सीट पर बैठने के लिए आप टीटी से बातचीत करके आप उस सीट पर यात्रा कर सकते हैं। दूसरा बात, तीसरा बात आपको बता दूं, जैसे कि होता क्या है कि थर्ड एसी में अगर मान कर चलिए सभी पैसेंजर आ चुके हैं, एक भी सीट खाली नहीं है, तो आपका रेलवे के गाइडलाइन के हिसाब से आपको वहाँ से निकाला भी जा सकता है, मतलब आपको उस कोच से हटाया भी जा सकता है, आपको स्लीपर में या अनरिजर्व कोच में भी भेजा जा सकता है रेलवे के गाइडलाइन के हिसाब से। क्योंकि थर्ड एसी कोच होता है, जो सेकेंड एसी कोच होता है, जो भी होता है, इन सभी में ज़्यादा यात्री मतलब ट्रेवल्स नहीं कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा भीड़ अलाउ नहीं है, इसीलिए रेलवे का गाइडलाइन ही यही है कि इसमें ज़्यादा भीड़ अलाउ नहीं है। भीड़ ज़्यादा मद्देनज़र रखते हुए टीटी लोग क्या करते हैं कि अगर ज़्यादा भीड़ हो जाता है थर्ड एसी या कोई भी एसी में, तो आपको दूसरा कोच में वो लोग भेज देते हैं। सो इस हफ्ते सभी को हमारा जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा अगला वीडियो तक पहुँच सके।